हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माईसेल्फ अरुषि चेतनानी। इस वीडियो में हम थ्योरम 10.3 ऑफ चैप्टर 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 9 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, थ्योरम 10.3 जो है वो गिवन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर जो है ओ है। ओ से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओ एम, जो कि ए बी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ओ एम अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो एंगल जो है ये ए एम ओ और बी एम ओ दोनों 90-90 ईच हो गए, क्योंकि परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री होता है। अब स्टूडेंट्स, हमें एक प्रूफ करना है कि ओ एम इज बाइसेक्टिंग ए बी। दैट मीन्स ए एम और बी एम जो है वो इक्वल हमें प्रूफ करना होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो गिवन में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे ए सर्कल, ए सर्कल विथ सेंटर ओ। वेयर, इसमें हमको ये गिवन क्या है, इन विच ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री होता है। अब हम लिख लेते हैं प्रूफ, हमें क्या करना है, टू प्रूव ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, ए बी कॉर्ड को ओ एम जो बाइसेक्ट कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, एम जो है इसका मिड पॉइंट हो गया और ए एम इज इक्वल्स टू बी एम होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हमें ये करना है कि हमें ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करना है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ओ ए को मैंने ज्वाइन किया और ओ बी को भी ज्वाइन किया। तो इसे मेंशन भी कर लीजिए, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। अब सिंस प्रूफ करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए एम ओ और बी एम ओ। तो हम यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ। अब देखिए, एंगल ए एम ओ और बी एम ओ 90 डिग्री है। हम इसको पहले लिख लेते हैं, एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, क्योंकि ये दोनों हैं 90 डिग्री, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है इसीलिए। नाउ सेंस ओ ए और ओ बी भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये सर्किल के रेडियस हैं। तो रेडियस दो सेम हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। तो इसका रीज़न हम लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल के रेडियस हमेशा, सेम सर्किल के रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। नाउ अब देखिए, ओ एम जो है ए एम ओ और बी एम ओ, ओ एम जो है वो कॉमन साइड है, तो हम लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम। ये हो गया कॉमन। अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमें मिला एक 90 डिग्री, दैट मीन्स राइट एंगल मिल गया। अब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, तो इस ट्रायंगल में ओ ए क्या है, हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल में ओ बी हाइपोटेनियस है, तो हमें एक हाइपोटेनियस मिल गया। और ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, मतलब हमें एक साइड भी मिल गया। तो आर एच एस जो कॉन्ग्रेंस के थ्रू जो है, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम ओ बाय आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रेंस थ्योरम के थ्रू। तो ये दोनों जो है ट्राइंगल अब कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल का ए एम और इस ट्राइंगल का बी एम इक्वल होगा। तो देयर फोर ए एम इज इक्वल्स टू बी एम बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और ए एम इक्वल्स टू बी एम आपको यही प्रूफ करना था, तो आपने ए एम इक्वल्स टू बी एम प्रूफ कर दिया। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी। तो आपने प्रूफ कर दिया है कि एक परपेंडिकुलर अगर सेंटर से ड्रॉ किया जाए तो वो ए बी कॉर्ड कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और आपने इसको प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स ये थ्योरम 10.3 का प्रूफ हो गया कंप्लीट। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम 10.4 सॉल्व करेंगे। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय।